कर रही हूँ कि आप बहुत बढ़िया हैं और बहुत अच्छे से हैं। इस वीडियो में आज हम कुछ बहुत खास डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप उनमें से हैं जिनके पास बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं बट कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंसेस और फंड्स को लेकर रुक जाते हैं, या आप उनमें से हैं जिनके पास धन राशि है पर छोटे स्तर पर आप उसका यूज भी करना चाहते हैं बट आपको पता नहीं है कि हम क्या करें उस धन राशि के साथ, तो अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक से लोन नहीं लेते हो टू परस्यू योर ड्रीम्स, अपने आइडियाज को परस्यू करने के लिए, तो P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म लोन लेने के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है, एक विकल्प है। पीयर टू पीयर लेंडिंग लाइसेंस एक ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लेंडर्स और बोरोवर्स को कनेक्ट करता है, जो लोग लोन लेना चाहते हैं और जो लोग लोन देते हैं वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साथ आते हैं। लोन देने वाले को लेंडर कहा जाता है और लोन लेने वाले को बोरोवर कहते हैं। लोन लेने वालों के लिए P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म एक एडिशनल ऑप्शन है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोरोवर्स एक रेट तय कर लेते हैं और उस पर लोन लेते हैं। इंडिया में पीयर टू पीयर लेंडिंग एक बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करने का कार्य करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म एक तरह का NBFC है। ये प्लेटफॉर्म लेंडर्स और बोरोवर्स दोनों के लिए प्रॉफिटेबल है। एक तरफ जहां लेंडर्स को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ बोरोवर्स को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मनी बोरो करने के लिए, मनी लेने के लिए फायदे निश्चित तौर पर मिलते हैं। बात करते हैं कि पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली काम कैसे करता है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बोरोवर एक तय रेट पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर से मनी बोरो करता है। P2P प्लेटफॉर्म पे बोरोवर्स की प्रोफाइल लिस्ट को देखने के बाद इन्वेस्टर अपने अकॉर्डिंग बोरोवर्स को चुनता है और लोन प्रोवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पीयर टू पीयर लेंडिंग, क्या विशेषताएं हैं। ये एक किस्म का ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां लोन लेने और देने का काम होता है। इस प्लेटफॉर्म पर लोन लेने और देने वाली पार्टी के लिए खुद को P2P प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कराना होता है। इजी राइट? P2P प्लेटफॉर्म को नियंत्रित कंट्रोल करने की जिम्मेदारी RBI के कंधों पर होती है और दिशा निर्देश भी RBI द्वारा ही जारी किया जाता है। इसके अलावा लेंडर अपने इच्छा अनुसार अपनी मर्जी से बोरोवर्स को चूज करता है। अगर बात करें कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, व्हाट इज एग्जैक्टली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सक्सेसफुल पीयर टू पीयर लेंडिंग के लिए IT सिस्टम का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिजनेस को शुरू करने के लिए सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए। ये देखना भी जरूरी है कि प्रपोज डायरेक्टर्स P2P मॉडल को सैटिस्फाई कर भी पा रहे हैं और उसमें फिट है या नहीं। इसके साथ एप्लीकेंट के पास टेक्नोलॉजिकल एंड एंटरप्रेन्योरियल रिसोर्सेज होने चाहिए। एप्लीकेंट के पास रीजनेबल और साउंड बिजनेस प्लान होना भी बहुत आवश्यक है। यू शुड हैव अ गुड प्लान। और अगर बात करें कि वाई पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो शुरुआत करते हैं कि बोरोअर पॉइंट ऑफ व्यू से P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म के क्या फायदे हैं। अगर पहले बेनिफिट की बात की जाए तो बोरोअर को सबसे बड़ा फायदा यह है कि उन्हें बैंक और क्रेडिट कार्ड की तुलना में वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। कस्टमर्स इस प्लेटफॉर्म के थ्रू डिजिटल एक्सपीरियंस ले पाते हैं। एंड अदर मोड्स ऑफ फाइनेंसिस की तुलना में अगर हम P2P लेंडिंग मोड की बात करें तो ये तो स्पष्ट है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही कम फीस चार्ज करता है। इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात यह है कि प्री पेमेंट करने पर किसी भी रूप में पेनल्टी नहीं लगती। और अगर हम लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपका रिटर्न काफ़ी हद तक आपके रिस्क लेने की क्षमता पर भी निर्भर करता है, इन्वेस्टर्स को जो भी रिटर्न ऑफर करते हैं वो यूजुअली हायर होता है। अगर आप अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म वो माध्यम है जिसके थ्रू लेंडर्स और बोरोवर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और आसानी से कोई भी डील फाइनलाइज हो सकती है। एंड अगर हम अब आगे बढ़े आफ्टर नोइंग द बेनिफिट्स ऑफ बोरोवर्स एंड लेंडर्स, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि P2P लेंडिंग मॉडल कितने प्रकार के हैं, कितने तरीकों के हैं। तो सबसे पहला स्मॉल बिजनेस लेंडिंग, देन वी हैव कंज्यूमर लेंडिंग एंड प्रॉपर्टी लेंडिंग।
स्मॉल बिजनेस लेंडिंग जब आपके बिजनेस को लोन की जरूरत होती है, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए या सेट फाइनेंसिंग के लिए। अगर हम कंज्यूमर लेंडिंग की बात करें तो स्मॉल बिजनेस लेंडिंग जब आपके बिजनेस को लोन की जरूरत होती है, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, एसेट फाइनेंसिंग के लिए। कंज्यूमर लेंडिंग वो टाइप है जहाँ पे स्मॉल लोन्स लोग लेते हैं, जैसे कार के लिए, हॉलीडेज के लिए या किसी फंक्शन के लिए, जो कंज्यूमर लेंडिंग आपके लिए है। प्रॉपर्टी लेंडिंग की बात करें तो हिंदुस्तान में इस P2P लेंडिंग मॉडल की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम है। जैसे रेजिडेंशियल रिफर्बिशमेंट या पर्सनल मॉर्गेज के लिए हम लोन लेते हैं तो वो प्रॉपर्टी लेंडिंग मॉडल के अंतर्गत आता है। हम अगर बात करें इसका प्रोसीजर क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लोन लेना चाहते हैं, खुद मेहनत करते हैं, तो क्या प्रोसेस है। कोई भी प्राइवेट या पब्लिक फर्म या कोई भी बिजनेस यूनिट अगर पीयर टू पीयर लेंडिंग लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो उसे RBI के पास अप्लाई करना होगा कुछ रिक्वायरमेंट्स के साथ। जैसे चाहे आप फर्म प्राइवेट हो या आपकी फर्म पब्लिक, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल मोटिव के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है। 2 करोड़ आपकी मिनिमम नेट ओन फंड होना चाहिए, एक अच्छी वेबसाइट होना जरूरी है, इसके साथ एक मोबाइल ऐप वर्क फ्लो का संचालन सही ढंग से होना चाहिए, दैट शुड बी वर्किंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन बहुत इजीली एक्सेसिबल है, आप उसको जाके भर सकते हैं। एप्लीकेशन की प्रिंटेड कॉपी के अलावा जॉइंट डॉक्यूमेंट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में सबमिट होना जरूरी है। इसके बाद की प्रक्रिया में, इसके बाद की प्रोसेस में आपका एप्लीकेशन और जो भी अटैच डॉक्यूमेंट्स है वो रिव्यू के लिए आगे जाते हैं, और वेरिफिकेशन के बाद सब कुछ अगर सही रहता है तो इवेंचुअली आपको परमिट मिल जाता है। और दोस्तों, पीयर टू पीयर लेंडिंग लाइफ, इसकी इम्पोर्टेंस और इसके फायदे तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक। तो अगर आप फ्यूचर में कभी भी पीयर टू पीयर लेंडिंग लाइसेंस लेने की योजना बनाते हैं तो एनी टाइम डोंट हेजिटेट, आप हमारी कंसल्टेंसी एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। अंटिल देन, मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।